हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, जैसा कि केवीएस एग्जाम बहुत ही कम समय बचा है, उसको देखते हुए मैं फास्ट रिवीजन के लिए आपको कम से कम 30 से 35 40 क्वेश्चंस का सुबह और शाम रिवीजन प्रोसेस लेके आई हूँ। जैसा कि 665 क्वेश्चंस का यह वीडियो यानी कि रिवीजन है, जिसको मैं पार्ट में पूरा करूंगी और फास्ट पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, आप लगे रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बिना टाइम गवाए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय है, तो कौन सा निकाय है जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करता है? वो है IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना हुआ था 1927 में। इसको स्थापना करने का श्रेय जाता है सर दोराबजी टाटा को, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी पीटी उषा, जैसा कि आप पीटी उषा के नाम को अच्छी तरह जानते हैं, महान एथलीट है, ठीक है। और इसके पहले थे नरेंद्र ध्रुव बत्ता, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है IOA का? पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर या राज्य ने शिक्षा के द्वारा योद्धाओं को प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया? तो ये दिया था एथेंस के नगर राज्य ने, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित को पैदा करना था। तो स्पार्टा का शिक्षा का उद्देश्य था एक अच्छा योद्धा तैयार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्टेडियम का नाम क्या है जहां पर प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? तो पैनथेनिक स्टेडियम एथेंस में यूनान में आयोजित किए गए थे 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOA का गठन कब हुआ? तो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1927 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है प्रेसिडेंट ऑफ IOC यानी कि इन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होते हैं, वही ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि उद्घाटन की घोषणा कौन करता है? जो मेजबान देश का अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है, वही ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा करता है और समापन की घोषणा करता है प्रेसिडेंट ऑफ IOC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? तो दोस्तों, जो भी देश अपने अपने देश अपने अपने शहरों का दावा करता है, उनमें से एक देश के शहर को यानी कि किसको मेजबानी दी जाती है? शहर को, नगर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक आयोजन सर्वाधिक लंबा था? जैसा कि दोस्तों, आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल 16 दिन का होता है, बट सबसे लंबा ओलंपिक खेल था 1908 लंदन ओलंपिक, जो 6 महीना तक चला था, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से इवेंट्स पेंटाथलान में शामिल थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलान में कौन शामिल था? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है धावन, कूद, चक्का, तैराकी, दंगल और रथदौड़। जबकि आधुनिक पेंटाथलान में 5 खेल, पेंटाथलान का अर्थ होता है पेंटा मतलब 5, थलान मतलब पत्तियां, यानी 5 पत्तियां, यानी कि आधुनिक पेंटाथलान में 5 इवेंट है। कौन कौन से दोस्तों? तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स रेस, निशानेबाजी, क्रॉस कंट्री थ्रो, एक 5 है आपकी आधुनिक पेंटाथलान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलान का सुझाव किसने दिया था? तो इसकी सुझाव दिया था बैरन पेरेडी कुबर्टिन ने। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक बैरन पेरेडी कुबर्टिन किस देश के निवासी थे? तो यह फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा था? तो दोस्तों,
सबसे पहले विजय स्तंभ पर चढ़ा था भारत की तरफ से जयपाल सिंह। कौन चढ़ा था? जयपाल सिंह। जैसे कि भारत ने सबसे पहले कब स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 1928 में, और भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग कब लिया था 1928 में, सबसे पहले स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में, हॉकी में पहला वह स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जैसा कि हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में इन्होंने प्राप्त किया भारत ने, और उस समय भारत की तरफ से कप्तान थे हॉकी के जयपाल सिंह। और इस प्रकार भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों की तरफ पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा। कौन चढ़ा? जयपाल सिंह। जैसा कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक हॉकी में सबसे हॉकी में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं भारत ने, तो 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अंतिम स्वर्ण पदक 1980 मास्को रूस में, पहला 1928 एमस्टरडम हॉलैंड में। जैसा कि दोस्तों अभी तक हॉकी में 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीते हैं, और 3 कांस्य पदक आपका जीता है 1968 1972 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें, और रजत पदक जीता है 1 मौली 1960 में। तो इस प्रकार अभी तक में हॉकी में कुल 12 पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस साल बनाया गया बजाया गया, तो 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोमॉर्फिक यानी मध्यम शरीर गठित शरीर की विशेषता है, तो मेसोमॉर्फिक जैसे कि दोस्तों शेल्डन ने शरीर को 3 भागों में बांटा है, एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक मतलब गोल मटोल और थोड़ा मोटा शरीर, एंड मेसोमॉर्फिक जो शरीर से हर्ष्ट पुष्ट हो और मांसल हो और परफेक्ट हो, तो यहाँ पे मांसल मतलब शक्ति से भरपूर हो, और एक्टोमॉर्फिक दुबला पतला और सुंदर शरीर होता है। तो मेसोमॉर्फिक का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मांसलता और ताकत से भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषकाय आकार है, कृषकाय यानी एक्टोमॉर्फिक जो आकार होता है वह कैसा होता है, इसका भी वर्गीकरण किया है शेल्डन ने, एंडोमॉर्फिक एक्सोमॉर्फिक एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। कृषकाय एक्टोमॉर्फिक को बोला जाता है, तो एक्टोमॉर्फिक में आता है आपका मांसपेशियां हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित ऊतक यानी दुबला पतला शरीर होता है, लीन बॉडी मास होता है, आपको ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एंडोमॉर्फ यानी गोल मटोल मांसल व्यक्ति की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है वो थुलथुला और मोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिताएं पहली बार एस्ट्रोटर्फ बनावटी सतह जो घास जैसी दिखलाई पड़ती है वहां पर कहां पर आयोजित की गई थी, तो वह मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित की गई थी। कहां पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस में अल्टियस का क्या अर्थ है, तो ओलंपिक आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसमें से एक नया शब्द भी जुड़ा है दोस्तों कम्युनिटर। तो अब हो गया ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इसमें से सीटियस का अर्थ होगा फास्टर यानी कि और तेज, आरटीएस का अर्थ होगा हायर यानी और ऊंचा, फोर्टियस का अर्थ होगा फास्टर यानी कि स्ट्रॉन्गर यानी कि और मजबूत, और चौथा है आपका कम्युनिटर जिसका अर्थ होता है टुगेदर यानी एक साथ। तो यहाँ पे आपका आरटीएस का पूछा है, तो सीटीएस आरटीएस फोर्टियस फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, तो हायर यानी कि उच्चतर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएस आरटीएस फोर्टियस तेज दौड़ना ऊंचा उठना और शक्ति का भरपूर प्रयास करना का इजाद यानी कि शुरू किसने किया था, इसका विचार किसने किया था, तो हेनरी डिरान ने किया था, हेनरी डिरान द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक के प्रतिभागी कौन कौन होते हैं, तो दोस्तों विशेष ओलंपिक के प्रतिभागी शारीरिक दृष्टि से विकार ग्रस्त लोग और मानसिक विकलांग से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक में विभिन्न इवेंट्स में जेसी ओवेंस द्वारा 4 पदकों की जीत की बराबरी किसने की थी, तो दोस्तों जो जेसी ओवेंस थे वो 1936 बर्लिन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते थे 100-200 मीटर दौड़ में, लंबी कूद में, और 4x100 मीटर रिले रेस में।
इनकी बराबरी किए थे 1984 लॉस एंजल्स में कार्ल लुइस ने, किसने, कार्ल लेविस ने किया था इन्हीं इवेंट्स में, यानी 100 200 मीटर दौड़, लंबी कूद और 4x400 मीटर रिले रेस में इन्होंने जेसी इवेंट्स की 4 स्वर्ण पदक की बराबरी किया था। तो इसको विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटा ओलंपिक ने क्या चिन्हित किया? तो जो अटलांटा ओलंपिक है दोस्तों, यह चिन्हित किया है आधुनिक ओलंपिक की शतवार्षिकी। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होगा। तो अटलांटा ओलंपिक में जैसे कि 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल शुरुआत हुआ था, और 1996 अटलांटा ओलंपिक में ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक का 100 वर्ष पूरा था, इसीलिए अटलांटा ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक भी बोला जाता है, और इसको इसमें 100 वर्ष पूरा था, ठीक है, इसलिए वो चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह परिभाषा, यह जो निम्नलिखित किसमें शामिल है? तो यह यूनेस्को के घोषणा पत्र में शामिल है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीक खेलों में धावन और डॉजिंग यानी चकमा देने का खेल किसमें शामिल है? तो यह आपका शामिल है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्राइगन, यानी कि जो आपका धावन और डॉजिंग, ग्रीष्म खेलों में धावन और डॉजिंग चकमा देने का खेल किसमें शामिल है? तो ट्राइगन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रेस्मर का कार्य वर्गीकरण है, यानी शरीर का वर्गीकरण क्रेस्मर का कौन है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों क्रेस्मर ने 4 बॉडी टाइप में बांटा है, कौन कौन से? पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक। यानी पिकनिक जो गोल काय होता है, छोटा का चेहरा, गोल शरीर, मोटा, और एथलेटिक जो सुडोल काय होता है, बलवान पेशियां, मजबूत होती है। अस्थेनिक जो लंब काय होता है, दुबले पतले लंबे शरीर, ठीक है। और जो डायस्प्लास्टिक होता है, उपरोक्त तीनों का मिश्रण होता है। तो क्रेस्मर ने 4 भागों में बांटा, कौन कौन से? पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक। यहाँ पे ऑप्शन दिया है डायस्प्लास्टिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक, एंडोमोर्फिक। तो एक्टोमोर्फिक जो गोल मोटर मांसल व्यक्ति होता है, एक्टोमोर्फिक, एंडोमोर्फिक, यानी कि दोस्तों एंडोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक और मेसोमोर्फिक, इन तीनों का विभाजन किया है सेल्डन ने। किसने किया है? सेल्डन ने। जिसमें से आपका एंडोमोर्फिक का मतलब हो जाएगा गोल मटोल मांसल व्यक्ति, मेसोमोर्फिक यानी कि मध्यम गठित शरीर वाला व्यक्ति, एक्टोमोर्फिक कृशकाय यानी दुबला पतला शरीर। इन तीनों का बंटवारा किया है बॉडी टाइप का सेल्डन ने। तो यहाँ भी पूछा है क्रेस्मर का, तो एक्टो, मेसो और एंडो, ये तीनों तो सेल्डन का हो गया, ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्रेस्मर का वर्गीकरण कौन है दोस्तों शरीर का? तो बॉडी टाइप का, तो डायस्प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डर द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण है। तो सेल्डर ने कौन कौन से बॉडी टाइप में बांटा है दोस्तों? इन्होंने बांटा है एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। तो उपरोक्त तीनों यहाँ पे इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में डिटेल में बताई हूँ दोस्तों, सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट टाइम आपके पास बहुत कम है। नेक्स्ट है, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन किसने आरंभ किया? तो जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन आरंभ किया फ्रेडरिक लुडविग जान ने। जर्मनी में दोस्तों जिम्नास्टिक के पितामह कहा जाता है गर्ट्स मर्स को, और जर्मनी में सारे शिक्षा के पितामह कहा जाता है जान बर्नार्ड बेस्टो को, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रखरखाव, बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों जैसा कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में कौन सा संबंधित नहीं है इसमें पूछा है, तो संबंधित है आपका स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रखरखाव, क्योंकि बीमारियों का इलाज यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया? तो यह महसूस किया था प्राचीन ग्रीस ने, जिसमें से उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है।
नेक्स्ट है, कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है? तो यह नेतृत्व प्रदान करता है एनओसी, यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी। जो प्रत्येक देश का नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है वह प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है। जैसे कि भारत का नेशनल ओलंपिक कमेटी कौन है? आईओए, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी भारतीय ओलंपिक संघ। उसी प्रकार हर देश का एक एनओसी होता है, नेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा किसने तैयार किया? तो ओलंपिक प्रतीक चिन्ह हमारा है ओलंपिक झंडा, जिसका निर्माण बेरन पीरडी कुवर्डी ने 1913 में किया था, और इसको सबसे पहले फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसने दी थी? तो ओलंपिक मशाल की अवधारणा दिया था थियोडोर लेवाल्ड ने। जैसा कि दोस्तों ओलंपिक मशाल को सबसे पहले जलाया गया था 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, और आधिकारिक रूप से जलाया गया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ था? यह हुआ था बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में 1936 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे, जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।